बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुलेन अब्बास, आप देख रहे हैं सरे आम न्यूज़। आइए खबर शामिल करते हैं। कोटला अरब अली हां से फैसल गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना करारी तोफीरुल हसन दांजा का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद मंशियात फरोश गिरफ्तार। भारी मकदार में चर्स बरामद। SHO थाना करारी की हिदायत पर तफ्तीशी अफिसर मोहम्मद अलियास ने दौरान नाका बदर चौक के करीब नसर इकबाल बल्द गुलाम रसूल कौम जट साकन जक्कड़ को मशकूक जानकार रोका। दौरान तलाशी मुलजम से 1280 ग्राम चर्स बरामद हुई। मुलजम को गिरफ्तार करके इर्तिकाब जुर्म 9CCNSA के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी कार्रवाई में सफियान अली बल्द मोहम्मद सदीक कौम जट साकन ओहदा को मशकूक जानकर दौरान तलाशी मुलजम 1260 ग्राम चर्स बरामद हुई और मुलजम को गिरफ्तार करके इर्तिकाब जुर्म 9CCNSA के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। SHO थाना करारी तोकेरुल हसन दांजा ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि थाना करारी को मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है और इंशाअल्लाह थाना करारी को मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जराइम के खात्मा के लिए मीडिया और शहरियों का तामन अलहद जरूरी है। नौजवान नस्ल की रगों में जहर घोलने और इनका मुस्तकबिल तबाह करने वाले समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जराइम पेशा अनासर कितने भी बाअसर हों, कानून की गरफत से नहीं बच सकते।